कटनी में ओपन कैंप में रखी धान चोरी होने का मामला कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने सक्रियता दिखाते हुए उसकी जांच शुरू कर दी, जिस पर भोपाल हेडक्वार्टर जीएमओपी कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि ओपन कैंप में रखी धान चोरी नहीं हुई थी, खराब हो गई थी। कटनी के मांझगांव में स्थित ओपन कैंप में रखी धान की चोरी होने का मामला चर्चा में है, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने सक्रियता दिखाते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं भोपाल हेडक्वार्टर जीएमओपी कुशवाहा का कहना है कि स्टेट ओपन कैंप में रखी धान रखरखाव की वजह से खराब हुई है, लेकिन चोरी नहीं हुई। उन्होंने कहा, धान की वसूली संबंधित एजेंसी से की जाएगी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जहां एक तरफ जीएम साहब धान खराब होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी लगातार धान चोरी होने की लिखित शिकायत संबंधित थाने को कर रहे हैं। वहीं शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया था कि मांझगांव ओपन कैंप में रखी धान की चोरी 100 से अधिक अज्ञात चोरों के समूह द्वारा की जा रही है, और अब संबंधित विभाग द्वारा हाई प्रोफाइल मामले पर मिट्टी डालने के लिए धान की बोरियों में धान की जगह चारा भूसा और कूड़ा कचरा भरा जा रहा है। शिकायत आप लोगों के माध्यम से हुई थी कि वहाँ से धान गायब हुई है, बट जो संख्या बताई गई थी पेपरों में, ठीक है, उससे हम लोग अलर्ट हुए। तो हमें किसी भी संख्या को वेरीफाई करने के लिए उसका पीवी करना होता है। जब मैंने पिछले जब 9 तारीख को मैं आया था, हम लोग हमारी टीम आई थी, तो देखने से ये लगा कि यार ये जो बता रहे हैं वहाँ का ठीक नहीं है, गलत है। वो बहुत सारी धान पड़ी, ढेर सारी धान पड़ी थी। होता क्या है कि प्रोसीजर ये है कि जब भुगतान होता है तो उस धान को अवेयर के बोरों में भरा जाता है। इन लोगों ने इसको भरा नहीं, बीच में गिर गया पानी, तो वो हो गया बहुत ज़्यादा नुकसान। तो जब हमने इसको बोरों में भरवाया है तो यूनिट पूरी पाई गई है, मतलब चोरी नहीं हुई। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।